ये मेरे कान्हा जी को कितना अच्छा मंदिर सजा दिया हस्बैंड ने, और ये मेरे कान्हा जी का झूला, ये देख सकते हैं आप, झूला झूल रहे हैं और बहुत बढ़िया प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और यहाँ पर ये पूड़ी है मिष्ठान में, और यहाँ पर ये सब्जी है कान्हा जी के लिए, दही है, और ये भी दही है, ये खीर है, यहाँ पर ये पिंजरी की जो बोलते हैं ना धनिया की पिंजरी है, और ये आटे की पिंजरी है, और ये मिठाई है, और वो माखन है, मिश्री है, सारी चीजें। अभी बज रहा है रात के 10:30, और यहाँ पर हस्बैंड को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा चलो अभी से पूजा करूँगी मैं भगवान की, तभी है ना 12 बज पाएंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ पंचामृत से। तो मेरे पास दो लड्डू गोपाल हैं, तो दोनों को ही मुझे स्नान कराना है। और पंचामृत में घी थोड़ा ज़्यादा था तो ये चिपक रहे थे भगवान जी, क्योंकि बोलते हैं ना पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए, और यही पंचामृत आपको सबको बांटना चाहिए प्रसाद के रूप में, और खुद भी खाना चाहिए। मैं 6 तारीख को ही पूजा करने लगी थी, और मैंने देखा चारों तरफ हमारे यहाँ सब लोग सोने लगे थे इस टाइम, तो मुझे लगा मैं क्यों आज पूजा कर रही हूँ, मुझे भी 7 को ही करना था, क्योंकि यदि 7 तारीख को पूजा रहती तो बहुत सारे भीड़ भड़का और बहुत चारों तरफ आवाज आती हमारे यहाँ मंदिरों में, क्योंकि मंदिर बिल्कुल पास पास है, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। और आज तो 6 तारीख को पूरे में सन्नाटा पसरा हुआ, सब लोग ऐसा लग रहा है कि सो गए हैं सब लोग, और मुझे लग रहा था मैं मोहल्ले में अकेली ही पूजा कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पूजा की है। और यहाँ पर मैं भगवान जी को पहना रही हूँ कपड़े, और कपड़े में इनके अलग अलग प्रकार के कपड़े लेकर आई हूँ 5 जोड़ी, तो इनको मैंने सेम सेम कपड़े पहनाए थे। और यहाँ पर बैठ गए हस्बैंड पूजा करने, क्योंकि उनको काफी तेज भूख लग रही थी तो उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आप खा लेना खाना और पूजा कर लो, क्योंकि देखिए है ना जेंट्स लोग नहीं रह पाते, दिन भर काम करते हैं तो भूखा इतना नहीं रह पाते जितना कि लेडीज लोग घर में रह के कर लेती हैं फास्ट वगैरह। और हस्बैंड पूजा करते हैं तो भगवान जी को पूरा भिड़ा देते हैं, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप भगवान जी को भिड़ाना नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा पूरे चींटी वगैरह हो जाएंगे उनके, सुबह सुबह आते आते पूरी काले हो जाएंगे भगवान जी, जितना तो भगवान जी ने नहीं खाया होगा चींटी उनको खा जाएंगी। और मैं यहाँ पास से वीडियो बना रही थी, क्योंकि हमारे ऊपर वाले कमरे में बहुत अंधेरा सा लग रहा था, आपने वीडियो में भी देखा होगा कितना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो कमरा है वहाँ पर काफ़ी सामान भरा है, तो रोशनी रुकती है, ट्यूबलाइट भी है और बल्ब भी है। और यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, हस्बैंड की पूजा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हस्बैंड पहले कर लेते हैं फिर बाद में, तो मैं ज़रूरी पूजा करती हूँ, क्योंकि जो विधि रहती है उसके अनुसार ही मैं करती हूँ, जो हस्बैंड से छूट जाती है पूजा वो मैं कर लेती हूँ बची हुई। और यहाँ पर थोड़ा सा दही रखा था तो मैं दही नीचे लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी चीटी हो जाएंगी। और चलिए अब हम लोग करते हैं आरती, पूजा हो चुकी है मेरी समाप्त। बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद मोहन। बच्चे लोग खा रहे हैं खाना, बच्चे लोगों को ज़्यादा वो नहीं है, हम दोनों का ही फास्ट है, दोनों ने ही फास्ट रखा है, और मेरे से आज इतनी बड़ी गलती हो गई। बोलते ना मैं चाय बना रही थी शाम को, तो इतनी सी पपड़ी मेरे मुंह में चली गई, बड़ा बुरा लग रहा है। तो मतलब बहुत से लोग बोलते हैं 5 कौर माफ होते हैं भगवान के लिए, तो कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं, भूल से हो गया, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था। ये देखिए इन्होंने ये वाले पहन लिए महाकाल वाले कपड़े, और अच्छे लग रहे हैं इनके कपड़े, पूजा पाठ में अच्छे लगते हैं, तैयार होकर ही पूजा करना चाहिए। और कपड़ों को माइंड मत करिएगा, हमारे यहाँ पर आज पानी गिर रहा था तो ये सारे कपड़े यहीं पर सूख रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे हमारे मम्मी के घर पे ना 8 बजे ही पूजा हो जाती थी, और हम लोग 8:30 बजे खाना खा के सो जाते थे, क्योंकि वहाँ पर 6 बजे खाना बनता था। और ये देखो इन्होंने वो वाले कपड़े पहन लिए, हाय गाइस कर रहे हैं, जो हमारे महाकाल के मंदिर में हमने कपड़े लिए थे वही पहन लिए इनने, ये देखिए महाकाल के मंदिर के जो कपड़े थे वही पहन लिए।
थोड़ा ब्लर आ रहा है क्योंकि ये दो थोड़ा लाइट का वो इश्यू होता है यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोग भगवान ऊपर ही रखे हैं, नीचे पर्याप्त जगह नहीं है इसलिए, तो उनके लिए तो अलग से भगवान जी के लिए मंदिर चाहिए इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। यहाँ पर कोई क्या छुआ छात भी नहीं लगती, गंदा संदा इंसान भी नहीं आता, नीचे तो सभी लोग आते हैं। किसी किसी के घर में बच्चों को उत्साह रहता, पर हमारे घर में हम दोनों ही करते हैं। देखिए जब तक जिंदगी है सांस है ये पूजा पाठ चलता रहेगा, पर में आस्था रखना भी जरूरी है क्योंकि कलयुग चल रहा है तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है कलयुग में। और ये पाना है भगवान जी का, तो ये अभी लगा देंगे वहाँ मंदिर में, ये भी लेकर आते हैं।